Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of October 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper the first article is taken from editorial segment it talks about oic stand on kashmir and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view सो so, सबसे पहले समझते हैं कि ये ओ आई सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है क्या इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1969 विद 57 मेंबर कंट्रीज तो 57 कंट्रीज हैं 1969 में बने थे और जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसमें ज़्यादातर वो कंट्रीज हैं जब जो इस्लाम रिलीजन को मानते हैं एज देयर स्टेट रिलीजन या फिर ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में है तो फिफ्टी ऐसे कंट्री हैं जो इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन मानते हैं हैं और तीन ऐसे कंट्री हैं जो इस्लाम को स्टेट रिलीजन तो नहीं मानते बट दे आर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज और ओवरऑल इनका पर्पस क्या है किस पर्पस से बनाया गया था टू सिक्योर द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड तो मुस्लिम इंटरेस्ट को ओवरऑल ग्लोबल स्टेज पे प्रोटेक्ट करके रखना ही इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है इसका सेक्रेटेरिएट है जेद्दा में जो कि सऊदी अरबिया के अंदर है एक बात जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है दैट दिस इज सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशंस तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशन तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 मेंबर हैं और उसके बाद इसके 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनी है और देखो इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे मुस्लिम मुसलमान पॉपुलेशन इस्लामिक रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं तो इस कारण से इंडिया ने भी कोशिश की थी ओ की मेम्बरशिप पाने की नाइनटीन सिक्सटी लेकिन उस टाइम में भी पाकिस्तान ने इंडिया के इस अप्रोच को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था और टू में जब बांग्लादेश के अंदर फोर्टी फिफ्थ की मीटिंग चल रही थी उस टाइम में बांग्लादेश ने प्रपोज़ किया था कि इंडिया को भी कम से कम ऑब्जर्वर स्टेट की तरह ओ में एंट्री दी जानी चाहिए चूंकि दुनिया का 10 परसेंट मुसलमान पॉपुलेशन तो इंडिया के अंदर रहता है इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इस प्रपोजल को भी ऑब्जेक्ट कर दिया था तो मुद्दा यह है कि पाकिस्तान का अच्छा खासा क्लाउड है होल्ड है ओ के अंदर और इस कारण से इंडिया में अच्छे खासा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इंडिया की एंट्री पाकिस्तान बार बार ओ में ब्लॉक कर देता है एज ए परमानेंट मेंबर और एज एन ऑब्जर्वर स्टेट अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं करंट डेवलपमेंट्स पे आ जाते हैं तो हाल फ़िलहाल में हुआ क्या है कि ओ की फोर्टी सेवेंथ सेसन ऑफ काउंसिल ऑफ़ फॉरेन मिनिस्टर्स हुई है इन नाइजर कंट्री और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रॉम 27 सेवन टू ट्वेंटी नाइन्थ नवंबर ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कई सारे रिजोल्यूशन पास किए गए उसमें से एक रिजोल्यूशन था दैट वॉज रिगार्डिंग कश्मीर इशू और इस रिजोल्यूशन में ये बोला गया कि इंडिया की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग कश्मीर वो काफी गलत है इनह्यूमन है इंडिया ह्यूमन राइट्स को वॉलेट कर रहा है कश्मीर के अंदर और इंडिया ने इलीगल तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को ऑक्यूपाई कर रखा है मतलब एक तरीके से इंडिया की जो पॉलिसी है कश्मीर के ऊपर उसको लेकर

कश्मीर इज एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया ये हमारा अंदरूनी मामला है और इसमें ओ का कोई लोकस स्टैंड नहीं है मतलब इसमें आपका कोई भी रोल नहीं हो सकता यू हैव नो रिलेशन विथ कश्मीर इशू इट इज आर इंटरनल मैटर फिर इंडिया ने यह भी कहा इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है विकास स्वरूप साहब उन्होंने यह भी कहा कि ओ इज़ इंडलजिंग इंटू एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा ऑन इंसिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान तो पाकिस्तान बार बार भड़काने की कोशिश कर रहा है ओ आई सी के मेम्बर्स को ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेबर्स को इंडिया के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है पाकिस्तान का एजेंडा ही है सिंपल इंटरनेशनल लेवल पर कि इंडिया को एंटी इस्लामिक कंट्री की तरह इस्टैब्लिश कर दिया जाए जबकि हमारे देश में इतने सारे इस्लामिक पॉपुलेशन के लोग रहते हैं एंड इंडिया एजी सेकुलर कंट्री इसके बावजूद भी इंडिया का इमेज पाकिस्तान ख़राब करना चाहता है एट ग्लोबल लेवल और ओ आई सी में कुछ हद हाँ तक हाल फिलहाल में वो सक्सेसफुल रहा है तो अब जरा देखते हैं कि ये जो रिसेंट अप्रोच है ओ ने जो हाल फिलहाल में अप्रोच लिया ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था इट वॉज़ ए काइंड ऑफ सरप्राइज़ फॉर इंडिया क्यों जरा देखते हैं टू में पिछले साल एक सेशन हुई थी ओ की और उसमें यू ने इंडिया को इन्वाइट किया था ज ए स्पेशल मेंबर गेस्ट ऑफ ऑनर उस टाइम के हमारे सुषमा स्वराज जी ने उसमें हिस्सा भी लिया था और इंडिया का अप्रोच रिगार्डिंग फॉर पॉलिसी वो सब कुछ एक्सप्लेन भी किया था और हम लोग इस्लामिक कंट्रीज के साथ किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं वो सब कुछ उन्होंने बताया था तो, तो मुद्दा ये है कि UAE, जो एक इंपॉर्टेंट मेंबर है ओ का उसने इंडिया को काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाया था लास्ट ईयर जब फिफ्थ ऑगस्ट को इंडिया ने स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खत्म कर दी थी उस टाइम में भी पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि ओआईसी में एक रिजोल्यूशन लाया जाए अगेंस्ट इंडिया लेकिन यूएई और सऊदी अरेबिया जो दो बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं ओ के अंदर उन्होंने इस रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया इस साल भी जब एक साल पूरे हो गए हमारे जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किए हुए ऑन फिफ्थ टू थाउजेंड तो फिर से पाकिस्तान ने कोशिश की कि इंडिया के अगेंस्ट एक रिजोल्यूशन लाया जाए फिर से यूएई और सऊदी अरेबिया ने ब्लॉक कर दिया लेकिन अब एकाएक से कि यू टर्न आया है करंट डेवलपमेंट एक रिजोल्यूशन पास हो गया है कश्मीर पॉलिसी एंड दिस रिजोल्यूशन टू द सरप्राइज ऑफ इंडिया वाज सपोर्टेड बाय सऊदी अरबिया एंड यूएई और देखिए इस तरह के इंटरनेशनल अखबारों में तो यही छप रहा है कि इट वॉज पाकिस्तान बिग विक्ट्री ओवर इंडिया ऑफकोर्स इंडियन अखबारों में इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आएगा लेकिन द एशियन टाइम्स में यूरेशियन टाइम्स में तो यही आया है कि पाकिस्तान की एक बड़ी जीत है इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक जीत है इंडिया के ऊपर क्योंकि इंडिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हाल फिलहाल में कि सऊदी अरेबिया और यू इस कश्मीर इशू पर तो कम से कम पाकिस्तान के साथ होंगी क्योंकि उन्होंने पिछले डेढ़ सालों से पूरी तरह से इंडिया का सपोर्ट किया था सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अनस सरप्राइज फॉर इंडिया तो जोरा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जिस कारण से सऊदी अरबिया और यूएई थोड़ा सा अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं कश्मीर पॉलिसी को लेकर के देखो इसका कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन तो हो नहीं सकता लेकिन क्या रीजन हो सकता है आज के अखबार में ये पॉइंट भी दिया गया है तो लेटेस्ट तो टू अंडरस्टैंड व्हाट माइट बी द पॉसिबल रीजन बिहाइंड चेंज इन सऊदी अरेबिया एंड यू अप्रोच ऑन इंडियाज पॉलिसी ऑन कश्मीर सबसे पहला और एक इंपॉर्टेंट कारण है वो है चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए यूएसए के अंदर अब प्रेसिडेंट बदल चुके हैं जो बिडेन अब प्रेसिडेंट का पावर पोस्ट संभालेंगे फ्रॉम ट्वेंटी जनवरी ट्वेंटी और जो बिडेन ने साफ साफ अपने सारे ही प्रेसिडेंशियल कैंपेन में कहा है बार बार कि वैसे तो इंडिया ए गुड और फ्रेंडली कंट्री और इंडिया के साथ ही इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर कोऑपरेशन लेकिन एक इशू है जो इंडिया के रेस्पेक्ट uh, में जो प्रॉब्लमेटिक है जो कंफ्लिकचुअल है वो है कश्मीर इशू तो जो बिटेन ने बार बार कहा है कि ही डज नॉट अग्री और कंकर विथ इंडियाज पॉलिसी ऑन जम्मू एंड कश्मीर और एंड उनके जो न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके यहाँ के फॉरेन जो भी मैटर्स को देखते हैं उनको वो लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते हैं एंटोनी ब्लिंकन उन्होंने भी ये बात को रिपीट की हमने इससे रिलेटेड एनालिसिस भी की थी कि बाकी सारे इशूज़ में यू एस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव कोऑपरेशन विद इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस इज द ओनली स्टिकिंग पॉइंट और कन्फ्लिक्चुअल पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड यू एस ए अब सऊदी अरबिया और यू ए ई ने देख लिया है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में क्या था कि वह कश्मीर इशू पर भी इंडिया को कंडेम नहीं कर रहे थे इनफैक्ट ही व साइलेंट ऑन दिस इशू लेकिन अब जब जो बिडेन जो अगले प्रेसिडेंट होने वाले उन्होंने अपना अप्रोच साफ साफ इंडिया के कश्मीर इशू पे बता दिया है तो अब सऊदी अरबिया और यूएई जो कि बहुत अच्छे यू एस एल आई हैं सऊदी अरबिया तो पूरी तरह से यूएस पर डिपेंड करता है यू ए ई पूरी तरह से सऊदी अरबिया पर डिपेंड करता है तो एक तरीके से दोनों ही कंट्री यूएस के अच्छे एल आई हैं और जब उनको पता चल गया है कि यू एस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट ही इज़ हैविंग सम रिजर्वेशन रिगार्डिंग इंडियाज़ पॉलिसी ऑन कश्मीर तो इन लोगों ने भी थोड़ा अपना अप्रोच कश्मीर के मुद्दे पर बदला है यही एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है इन द चेंज ऑफ एटीट्यूड अदरवाइज देयर इज नो अदर क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन आगे आने वाले टाइम में हम इससे रिलेटेड और आर्टिकल कवर करेंगे जहां हम देखेंगे कि आखिर ये यू टर्न आया क्यों और इंडिया का क्या आगे एक्शन हो सकता है इंडिया को अब कुछ ना कुछ क्रेडिबल स्टेप्स लेने होंगे इन दोनों कंट्रीज को अपने साइड में लाना होगा अदरवाइज पाकिस्तान हैज गेट गॉट सम सम स्टेकिंग क्लेम ओवर कश्मीर मैटर नाउ ओ आई सी का इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा सा uh, एक रेजोल्यूशन पास करना वो एक इंडिया के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है एंड इट विल पुट इंडिया अंडर सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट असासीनेटेड इस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर थ्री इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं तो देखिए ईरान के टॉप मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकरुजैदा हैज़ बिन असेसिनेटेड रिसेंटली बाई और इन अ बाम ब्लास्ट अब ये जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं ही इज़ कंसिडर टू बी फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर डेवलपमेंट इन ईरान जैसे हमारे यहाँ पे ए पी जे अब्दुल कलाम साहब का इमेज है उस तरह का इमेज इनका है ईरान के अंदर कि इन्होंने ईरान की पूरी की पूरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप की है और उनका असेसिनेशन हो गया है और उनको मार दिया गया एकाएक से टेररिस्ट अटैक हुआ और उनको मार दिया गया तो एक अपने आप में बड़ी बात है ईरान के लिए और अब ईरान की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता लगाया है और वो क्लेम कर रहे हैं कि इसके पीछे इसराइल हाथ है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने यह असैसिनेशन कराया है और अब ईरान के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं आयोतोला खोमई उन्होंने कहा इस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि ईरान अपना बदला लेगा इट विल रेस्पॉन्ड विथ ए मैसिव रिटालिएशन अगेंस्ट इसराइल तो ये डेवलपमेंट है ये करेंट न्यूज़ है अब इसके पीछे की थोड़ी एनालिसिस देखते हैं एक बार ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है इसको लार्जर कॉन्टेक्स में समझते हैं तो एक बार पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया समझ लेते हैं वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स तो वैसे आपने और हमने कई दफ़ा पहले भी डिस्कस किया है बट एक बार फिर भी ब्रीफली देख लेते हैं देखो वेस्ट एशिया के अंदर तीन ही मेन रीजनल पावर्स हैं सबसे पहला रीजनल पावर ऑफकोर्स इसराइल जो एक जूस स्टेट है दूसरा है ईरान और सऊदी अरबिया अब इसराइल तो जूस स्टेट है ये सऊदी अरबिया और ईरान दोनों इस्लामिक कंट्री हैं फिर भी इनके बीच में बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी रहती है कन्फ्लिक्ट रहता है रीज़न बीइंग सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में हॉस्टिलिटी है बिकॉज ऑफ सिया सुन्नी सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट ईरान सुन्नी ईरान सिया आ, सेक्ट को फॉलो करता है आ, आ, इस इस्लाम के अंदर जबकि सऊदी अरबिया सुन्नी सेक्ट को फॉलो करता है इस्लाम के अंदर तो ये सेक्टेरियन डिवाइड है इस्लाम है दोनों ही लेकिन फिर भी उनके बीच में सेक्ट का डिफरेंस और पूरा का पूरा का पूरा लैंग्वेज भी अलग है और तो पूरा कल्चर का पूरा का पूरा अलग है तो खाली नाम का ओवरऑल रिलीजन सेम है बट अदरवाइज दे आर क्वाइट डिफरेंट सिविलाइजेशन और उनके बीच का जो कंफ्लिक्ट हेल्प ऑफ क्लास ऑफ सिविलाइजेशन कॉन्सेप्ट कि सिविलाइजेशन अगर अलग होगी तो कंफ्लिक्ट होगी ही जो सेम हंटिंगटन साहब का कॉन्सेप्ट था तो सऊदी अरबिया और ईरान एक दूसरे के हॉस्टाइल कंट्री हैं उसके अलावा सऊदी अरबिया और इसराइल आपस में हॉस्टिलिटी रखते हैं उसके पीछे कारण है इसराइल पेलेस्तीस्तीस्तीस्तीस्तीस्तीन कन्फ्लिक्ट उसके डिटेल में हम यहाँ नहीं जाएंगे इसको कई दफ़ा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अगर आप इसराइल पैलेस्तीन के कन्फ्लिक्ट को जानना चाहते हैं इन डिटेल तो यू कैन सी आर न्यूज़ पेपर अनलिसिस ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट में ट्वेंटी लेकिन आपको इतना तो पता ही होगा कि इसराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट के कारण सऊदी अरबिया और जो बाकी सारे अरेबिक कंट्रीज़ हैं जो पैलेस्तीन के कॉज को सपोर्ट करते हैं दे आर इनहेरेंटली अगेंस्ट इसराइल और ईरान इसराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि इसराइल एक बहुत अच्छा एलआई है यूएस का इनफैक्ट इसराइल को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने में यूएस का ही बहुत बड़ा रोल है जबकि ईरान एंटी यूएस कंट्री है तो नेचुरली इसराइल और यूएस के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा तो इस कारण से ये तीन सुपर पावर हैं लोकल सुपर पावर हैं रीजनल पावर हैं वेस्ट एशिया में और तीनों ही आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हॉस्टाइल रहे हैं हिस्टोरिकली लेकिन अब वेस्ट एशिया की डायनेमिक्स थोड़ी बदल रही है किस तरह की डायनेमिक्स बदल रही है जरा देखते हैं हमने देखा कि वहाँ पर ट्रायंगुलर डायनेमिक्स है इसराइल ईरान एंड साउथी अरबिया ऑल ऑफ देम हैव बीन हॉस्टाइल टू इच अदर बट स्लोली डायनेमिक्स इज चेंजिंग इसराइल और सऊदी अरबिया एक साथ हो रहे हैं उसके पीछे जो फैक्टर है वो है यूएस फैक्टर वो सामने सामने नहीं हो रहा है लेकिन वो धीरे से कोवर्टली यही हो रहा है क्योंकि इसराइल तो हार्ड कोर यू है सऊदी अरबिया भी हार्ड कोर यू है तो यू फैक्टर के कारण धीरे धीरे जो इनके आपस के डिफ्रेंसेस थे इसराइल पेलस्तीन कन्फ्लिक्ट वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं एंड नाउ दीज टू साइड्स आर कमिंग टूगेदर तो सऊदी अरबिया और इसराइल एक साथ और ईरान अकेले ये अब ट्रेंगुलर से आ, आ, बाई और यह ये, ये बाइलेटरल में कन्वर्ट होता जा रहा है पूरा का पूरा वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स इसके पीछे कई सारे इंडिकेटर्स भी यहां वाई वी आर सिंह एंड सऊदी अरबिया टुगेदर क्योंकि अभी तक इसराइल और सऊदी अरबिया ने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है लेकिन जो अरेबिक कल्चर को मानने वाले जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं सऊदी अरबिया के सऊदी अरबिया तो बहुत बड़ा कंट्री है और सऊदी अरबिया इनफैक्ट पूरे इसराइल पलस्तीन कंफ्लिक्ट को होल्ड करने वाला उसमें पलस्तीनियन कोच को सपोर्ट करने वाला एक

कर लिया है वहां पे उन्होंने अपनी एम्बेसी तक खोल दिया तो ये एक बड़ी बात है वेस्ट एशिया में ये डेवलपमेंट हो रहे हैं जब यू ए कल्चर को फॉलो करते हैं सऊदी के अलाई हैं है, वो अब इसराइल के साथ हो गए हैं फॉर्मली और न्यूज तो ये भी निकल के आई है कि हाल फिलहाल में लगभग एक वीक पहले सऊदी अरबिया के किंग मोहम्मद बिन सलमान जो टू बी किंग हैं ही मेट विथ बेंजामिन नेतायू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल तो इनकी मीटिंग भी हुई है और अब हो सकता है कि आने वाले पाँच छः महीने में आप देखें कि सऊदी अरबिया भी फॉर्मली इसराइल के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर ले अभी तक फॉर टेक्निकली दे आर होस्टाइल टू इच अदर एंड सऊदी अरबिया डज नॉट ऑफिशियली रिकोगनाइज इसराइल दैट बिकॉज ऑफ इसराइल पेलस्तीन कन्फ्लिक्ट लेकिन अब धीरे धीरे इनके बीच की दुश्मनी खत्म हो रही है बिकॉज ऑफ यू एस फैक्टर मुद्दा ये है तो अब ये दोनों साथ आ रहे हैं और अब ये ट्राइंगुलर से बायो कन्फ्लिक्ट हो रहा है वेस्ट एशिया का अब बेसलाइन ये है कि ये दोनों साथ आ गए और ये ट्रायंगुलर से बाइलेटरल हो गया और जो ईरान के सपोर्टर कंट्री हैं जैसे सीरिया इराक लेबनान ये मैन ये काफ़ी कमजोर हैं ये ईरान को सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो ईरान वाला जो साइड है उसके सपोर्टर जैसे सीरिया इराक ये सब कमज़ोर है और ईरान का पलरा धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है ईरान इज गेटिंग वीकर एंड वीकर दिस इज टर्निंग इन टू फर्स्ट ऑफ ऑल बाईलेटरल और उसमें भी ये जो साइड है ईरान का ये कमज़ोर होता जा रहा है क्योंकि ईरान के जो सपोर्टर्स हैं जो सिया सपोर्टर्स हैं जैसे कि सीरिया इराक लेबनन येमेन, मैन पैलेस्तीन की काफ़ी छोटे कंट्री हैं सीरिया इज इट सेल्फ स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ सिविल वॉर तो और ईराक तो पूरी तरह से कोलैप्स हो ही चुका है आफ्टर रिमूवल ऑफ सद्दाम हुसैन तो अब ईरान धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है इस बाईलेटरल कन्फ्लिक्ट में धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है वेस्ट एशिया के और अब जब एक बात समझनी है कि जब ऑलरेडी ईरान कमज़ोर है तो फिर उसके साइंटिस्ट पे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट पे अटैक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी इसराइल को वाई अटैक ऑन ईरानियन साइंटिस्ट यानी ईरान इज़ ऑलरेडी वीक तो अब ये ज़रा समझते हैं ये पूरा का पूरा गेम समझते हैं दिस इज ए वेरी स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू फर्दर वी कैन ईरान बाई पुटिंग इट इन टू डायलेमा ये ईरान को और ज़्यादा कमजोर करने की स्ट्रैटेजी है उसको डायलेमा में ला देगा ये अटैक जरा देखते हैं कैसे डायलेमा में मतलब एक तरह के आप समझो कन्फ्यूजियस कन्फ्यूजिंग स्टेट में कि अब करें तो क्या करें व्हाट टू डू वॉट नॉट टू डू जरा देखते हैं कैसे देखो कैसे डायलेमा में होगा टू टेक रिवेंज और नॉट बदला लें या ना लें समझते हैं कैसे देखो अगर वो बदला लेने जाते हैं इफ़ दे गो फॉर रिवेंज तो होगा क्या कि जो ईरान न्यूक्लियर डील डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दी थी वो जो बिडेन के टाइम में वापस से रिवाइव नहीं हो पाएगा ये भी इवेंट ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट का एसोसिनेशन ये जो बिडेन के इलेक्शन से रिलेटेड है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब तक थे तब तक तो ईरान न्यूक्लियर डील वैसे भी नहीं साइन होने वाली थी वो रिवाइव नहीं होने वाली थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया था जो बिडेन के आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि ईरान न्यूक्लियर डील वापस से रिवाइव कर दिया जाए और ईरान के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस धीरे धीरे हटा लें जो बिडेन ये उम्मीद थी तो अब वहाँ के साइंटिस्ट को मार करके इसराइल ने क्या कर दिया है कि एक तरह से ईरान को और ज़्यादा उकसाया है कि अगर ईरान बदला लेता है ईरान कुछ अटैक करता है आस पास के कंट्रीज पर सऊदी पर कुछ एक्शन लेता है या इसराइल पर लेता है तो अपने आप ईरान न्यूक्लियर डील कैंसिल हो जाएगा ईरान न्यूक्लियर डील वापस से रिवाइव नहीं कर पाएगा जो बिडेन तो अगर ईरान बदला लेता है तो ईरान न्यूक्लियर डील जो हो सकती है जो बिडेन के अंतर्गत वो वापस से नहीं हो पाएगी और अगर ईरान बदला नहीं लेता इफ़ ईरान कीप्स क्वाइट तो भी दिक्कत है जो ईरान के अंदर के जो हार्ड लाइनर लोग हैं देखो देश के अंदर तो हमेशा इस तरह के राइट विंग लोग होते हैं जो बेवकूफ़ होते हैं जो सरकार के इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को फॉरेन डायलेमास को समझते नहीं और सरकार के हमें ऊपर हमेशा दबाव बनाते हैं कि सरकार बेवकूफ़ है निकम्मी है कमज़ोर है और सरकार को बदला लेना चाहिए तो इस तरह के हार्ड लाइनर्स तो ईरान में भी कई सारे हैं और वो जो हार्ड लाइनर्स हैं वो फिर छोड़ेंगे नहीं सरकार को वो सरकार को और ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे कमज़ोर करेंगे कि बदला लो बदला लोगे तो सेंक्सन चलता रहेगा जो बिडेन के बावजूद भी जो कि ईरान उम्मीद कर रहा है कि जो बिडेन के बाद सैक्शन ख़त्म हो जाए बदला नहीं लोगे तो इंटरनल प्रोटेस्ट में बर्बाद हो जाएगा ये सब कैलकुलेशन करके इसराइल ने इनके ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया अब एक तरह का और डायलेमा डाल दिया है अब ईरान के लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है अब देखते हैं आगे ईरान किस तरह से रिस्पोंड करता अभी तो कम से कम बातों में कह रहा है कि हम बदला लेंगे लेकिन देखते हैं कि वो एक्चुअल में क्या स्टेप्स लेता है नेक्स्ट आर्ट कर स्टेक फ्राम इनवायरमेंट सेगमेंट इट इज़ अबाउट हॉर्नबिल फेस्टिवल दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्राम सेलेबस पेपर फॉर इन्वायरमेंट एंड बायोडावर्सिटी पॉइंट फ्यू सो हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में समझते हैं देखो नागा ट्राइब के लोग खासकर नागाड में ये हॉनबिल फेस्टिवल हर साल मनाते हैं इसका टाइम भी फिक्स है एक से लेकर के दस दिसंबर तक हर साल मनाते हैं इसको पहली बार मनाया गया था ऑन फर्स्ट दिसंबर नाइनटीन सिक्सटी थ्री जब उस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने इसको इनागरेट किया था और ये जो फेस्टिवल है नाम से ही आप देख रहे हैं हॉनबिल बर्ड को ट्रीब्यूट पर पे करने के लिए हॉर्नबिल बर्ड वर्ल्ड इजीडर तो टू वेरी इंपॉर्टेंट टू द कल्चर ऑफ नाका तो और उसको रेस्पेक्ट पे करने के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है न्यूज़ सिंपल है इस साल का जिस कारण से हम ये आर्टिकल कवर कर रहे हैं कि इस साल का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो वर्चुअली मनाया जाएगा कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक के कारण बहुत सारे टूरिस्ट को आने से अलाउ नहीं किया गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए इन नागालैंड देश है तो इस बार हॉर्नबिल फेस्टिवल को ऑनलाइन टी वी दिखाया जाएगा इंटरनेट पर दिखाया जाएगा तो तीन टी चैनल ऐसे हैं जो हॉर्न फेस्टिवल को कवर करेंगे यही न्यूज है अब हॉर्नविल बर्ड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं देखो हॉर्नबिल बर्ड इज नियर थ्रेटेंड इन आई यू सी एन रेड लिस्ट तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड थ्रेट है नहीं नियर थ्रेटेंड देखो लीस्ट कंसर्न जो सबसे ऐसे जानवर होते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली गाय जिनके एग्जिस्टेंस एक, एक पे कोई खास थ्रेट है नहीं कुछ भी थ्रेट नहीं उनको हम लोग कहते हैं लीस्ट कंसर्न उससे ज़्यादा होता है नियर थ्रेटेड नियर थ्रेटेंड वाले भी कोई खास थ्रेट में नहीं होते उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी होती है उससे फिर ज़्यादा होता है वल्नरेबल इंडेंजर्ड क्रिटिकली इन क्रिटिकली इन सबसे ज़्यादा खतरे में होता है उसके बाद होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड ऐसे जानवर जो ओरिजिनली नेचुरली ख़त्म हो चुके हैं उन बस एक आधा किसी जूलॉजिकल गार्डन वगैरह में हैं अंडर ह्यूमन प्रोटेक्शन उसके अलावा फाइनली होते हैं एक्सटिंक्ट जैसे कि डायनासोर वगैरह जो खत्म ही हो गए हर जगह से तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इट इज नियर थ्रेटेंड इस पर कोई खास खतरा नहीं है उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी है याद वो ये है कि स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड इज ब्लाइस ट्राइगोपैन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हॉर्न बिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में तो अक्सर बच्चों को लगता है स्टूडेंट्स को लगता है कि हॉर्न बर्ड जरूर नागालैंड का स्टेट बर्ड होगा लेकिन ऐसा है नहीं हॉर्नबिल फेस्टिवल नागाज मनाते हैं नागालैंड में होता है लेकिन उनका स्टेट बर्ड ब्लाइट स्ट्राइक है और अक्सर ये गलती हो जाती इस तरह का सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड नागालैंड टू पे ट्रिब्यूट टू हॉर्नबिल बर्ड बिल्कुल सही है हॉर्नबिल बर्ड इस्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड ऑफकोर्स दिस इज रॉन्ग इस क्वेश्चन को अप अटेप करें एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्ट क्वेश्चन फ्राम असाम सेगमेंट इट टॉक्स अबाउट फिस प्रोडक्शन इन असम दिस टॉपिक इंपॉर्टें फ्रॉम आर सिलेबस पेपर सिक्स इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं तो देखो पीसी कल्चर पीसी कल्चर मतलब फिशरीज uh, प्रोडक्शन पीसी कल्चर हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन असम जो कई सारे यूथ हैं असम में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम झेल रहे हैं अब वो साइंटिफिक तरीके से मॉडर्न अप्रोचेस से फिशरीज प्रोडक्शन में इंगेज हुए हैं और इस कारण से इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है और फिशेज का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है आसाम के अंदर और फिशेज एक तरह के इंपॉर्टेंट प्रोटीन के सोर्स हैं अब जरा देखते हैं कि फिशेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन कितना बढ़ा है आसाम के अंदर पिछले चार पांच सालों में उसको डाटा की मदद से समझने की कोशिश करते हैं तो फिश कंजम्पशन इन स्टेट कैपिटा वॉज 8.5 पॉइंट फाइव के जी पर एनएम इन टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन दैट हेज इंक्रीज टू इलेवन पॉइंट वन टू के जी पर एन एम तो हर एक इंसान ऑन एन एवरेज 8.5 पॉइंट फिश कंज्यूम करता था एक साल में अब वो बढ़ के हो गया है पॉइंट वन टू इन लास्ट फोर फाइव ईयर्स और उसी हिसाब से फिशरीज प्रोडक्शन भी बढ़ा है हर साल का फिशरी प्रोडक्शन 2015-16 में था 2.94 पॉइंट नाइन मेट्रिक टन्स और वो बढ़ करके टू दो तो तक हो गया 3.73 पॉइंट सेवन मेट्रिक टन्स तो प्रोडक्शन भी बढ़ा है कंजम्पन भी बढ़ा है और लाइवलीहुड भी बढ़ रहा है फिशरीज के कारण सो इन ऑल द थ्री सेक्टर फिशरीज सेक्टर इज परफॉर्मिंग गुड फॉर आसाम इकोनॉमी लेकिन कुछ अभी भी ऐसे टारगेट्स हैं जो अचीव नहीं हुए हैं अनकॉम्पलिश टारगेट्स देखो ओवरऑल फिश सीड प्रोडक्शन में तो हम सेल्फ सफिशियंट हो गए फिशेस को जनरेट करने के लिए जब हम लोग अपने डोमेस्टिक तरीके से डेवलप करते हो तो हमें एक एक तरह का सीड लगता है फिश सीड और फिश सीड में आसाम की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आसाम के अंदर से ही पूरी हो जाती है तो फिशेज सीड्स में वी आर सेल्फ सफिशेंट लेकिन एज फार एज ओवरऑल फिश प्रोडक्शन इज कंसर्न वी आर स्टिल नेट इम्पोर्टर अभी भी हम फिशेज जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे स्टेट से कुछ इम्पोर्ट करते हैं अभी भी हमारी जितनी डिमांड है उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तो आने वाले टाइम में जब आसाम के अंदर पोटेंशियल है तो हमें फिशेज का प्रोडक्शन और इंक्रीज करना चाहिए ताकि जो हमारी डिमांड है उसको मीट and rather than becoming an importer state or remaining an importer state which should become an exporter state अब जरा देखते हैं सम द इनिशियटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसाम टू मेक आसाम सेल्फ सफिशिएंट इन फिशरी प्रोडक्शन क्या क्या करें कि आने वाले टाइम में हम इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर बन जाए तो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम चल रही है इस डायरेक्शन में उसका नाम है घरे घरे पुखरी घरे घरे मात इसको सरल शब्दों में बोले तो घर घर में पौंड होना चाहिए और घर घर में मछली प्रोडक्शन होने चाहिए इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पर मछली का प्रोडक्शन हो फिशेज का प्रोडक्शन हो और सब लोग अपना अपना एक छोटा छोटा पौंड बनाएं इस ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था टू थाउजेंड में पर इसका ऑफकोर्स यही है न्यूट्रिशनल एंड लाइवलीहुड सपोर्ट हर आदमी को जब मछली मिलेगी तो खाने को तो न्यूट्रिशनल सेफ होगी और नौकरी भी मिलेगी एक तरह का लाइवलीहुड भी जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और फिशेस प्रोडक्शन इंक्रीज होंगी इससे रूरल वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी दैट इज़ आल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग तो वुमेन एम्पावरमेंट में खासकर रूरल वुमेन एम्पावरमेंट में भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जब मछली हर एक हाउस होल्ड लेवल पे उगाया जाएगा तो रूरल वुमेन भी उसमें इंगेज होंगी टारगेट क्या था कि हर एक घर में इंडिविजुअल पॉन्ट्स बनाए जाए कम से कम एक बीघा एरिया में और या तो फिर कम्युनिटी पॉन्ड्स बनाए जाए ओवरऑल गांव के लेवल पे एक पॉइंट बनाया जाए 7.5 पॉइंट बीघा एरिया में तो ये सब कुछ टारगेट है अंडर दिस स्कीम दूसरा और प्रोजेक्ट एक लाया जा रहा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिशरी इन, इन, इन असम उस दैट इज़ अ काइंड ऑफ जी का प्रोजेक्ट जी का तो आप जानते ही होंगे इट स्टैंड्स फॉर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी पहले भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं देखो जापान एक ऐसा देश है जो बाक़ी बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जैसे हमारा देश इंडिया है उसी तरह की तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए और एल uh, के लिए जैसे वियतनाम बांग्लादेश इन सब के लिए एक तरह का फंड रिलीज़ करता है जिसको हम लोग कह वो कहता है ओ डी ए ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस तो उस फंड में वो फिर अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगहों पे लाता है तो इंडिया को भी ओडीए मिलता है जापान से और उस ओ के मदद से इंडिया के अंदर कई सारे जी का प्रोजेक्ट चलते हैं जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी एक एजेंसी है जो इस पर्पस के लिए बनाया है जापान ने वो इंडिया के अंदर कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाता है और उसी जीका ने अब प्लान किया है कि वो आसाम के अंदर एक जी प्रोजेक्ट चलाएगा रिगार्डिंग इंक्रीज इन फिशरीज़ प्रोडक्शन उस प्रोजेक्ट का नाम होगा आसाम फिशरीज डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट अभी तक यह प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा इसका और ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट है लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ के आसपास और ये तीन साल से पाँच साल तक का इसका ड्यूरेशन होगा ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को डोनर मिनिस्ट्री डिपार्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जो मिनिस्ट्री है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जो मिनिस्ट्री है यूनियन लेवल पर उसने अप्रूव कर दिया है अब इसका इंप्लीमेंट होना बाकी है तो आने वाले टाइम में ये भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा फॉर इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज डेवलपमेंट और प्रोडक्शन इन आसाम इस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन दे स्टार्ट कर अगेन टेकन फ्रॉम असाम सेगमेंट हट टॉक्स अबाउट और उन दो स्कीम दिस टॉपिक इम्पोर्ट फ्राम आर सिलेबस पेपर सिक्स असाम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू सो और दो स्कीम के बारे में समझ लेते हैं और असाम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एन असिस्टेंस ऑफ रुपीज एट हंड्रेड थर्टी पर मंथ टू सेवेंटीन लैक फैमिलीज ऑफ वीकर फाइनेंशियलियलियलियलिय बैकग्राउंड जिनकी ओवरऑल कंपोजिट इनकम दो लाख से कम हो दिस स्कीम वॉज इन लास्ट ईयर बजट लेकिन इसको इस साल इंप्लीमेंट किया जा रहा है एवरी मंथ अबाउट 210 करोड़ रुपीस विल बी स्पेंड अंडर दिस और इसमें भी प्रायोरिटी दी जाएगी विडो डिवोर्स्ड अनमैरिड और सेपरेटेड वुमेन या फिर स्पेशली एबल्ड मेंबर्स हो जिस परिवार में उस फैमिलीज को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी करंट न्यूज बस यही है जिस कारण से आर्टिकल आया है कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम हैज लॉन्च दिस स्कीम फ्रॉम टूडे तो आज से स्कीम फाइनली लॉन्च हो चुकी है ओवरऑल इससे रिलेटेड कुछ डाटा हैं आप देख लो लगभग साढ़े आठ लाख हाउस होल्ड्स होंगे जिनको बेनिफिट होगा नब्बे लाख ऐसा पॉपुलेशन है जिसको बेनिफिट होगा सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये इंप्लीमेंट हो रहा है तो ये सब डाटा कुछ मोटा मोटा आप देख लेना यहाँ से डायरेक्टली ये डाटा एग्जाम में आएगा नहीं आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबल पी डी टॉपिक्स फॉर कमिंग एपीएस टू वेल टॉपिक नंबर नाइन टू टॉपिक टू हंड्रेड थर्टी वन अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इट इज पब्लिश इट इज ऑफ्टीन स्पेशलाइट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन इंडिया की रैंकिंग दो हजार बीस में रही है मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी फॉलोड बाई स्वीडन इस साल का जो थीम था

लेकिन अगर उसमें अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो दोनों लगभग पांच पांच परसेंट के आसपास हैं लेकिन डायरेक्ट टैक्स इज स्लाइटली मोर देन इनडायरेक्ट टैक्स तो पीटी में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं इसको याद रखना टोटल टैक्स कलेक्शन दस परसेंट और जीडीपी के आसपास है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इज समवेयर क्लोज टू फाइव पॉइंट फाइव परसेंट इन टैक्स इज समवेयर क्लोज टू 4.5 पॉइंट परसेंट वेल डायरेक्ट टैक्स इज क्लोजर टू 5.5 परसेंट तो डायरेक्ट टैक्स आप ये देखो ब्लू वाला थोड़ा सा ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स की तुलना में अगर ओवरऑल बात की जाए सेंट्रल और स्टेट का साथ में कलेक्शन की बात की जाए तो ओवरऑल जो कलेक्शन है दैट इज समेर क्लोज टू 18.9 परसेंट ऑफ द जीडीपी और इनडायरेक्ट टैक्स इस केस में ज्यादा हो जाता है डायरेक्ट टैक्स कम रहता है डायरेक्ट टैक्स इज पॉइंट अगर ओवरऑल बात की जाए तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मिला करके तो इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है और डायरेक्ट कम है प्लीज अटेम दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक टॉपिक नंबर टू इज अबाउट वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट has developed world's largest solar tree which has been installed at CSIR residential colony of Durgapur please attempt this question that is based on this topic ये दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स टू हंड्रेड ट्वेंटी स्टडीज न्यूज पेपरिस आज के क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन विल बी सरिंग आंसर दिस क्वेश्चन इन टोज न्यूज पेपर अनालिसिस कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं इट वज अबाउट एम एस पी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं सी uh, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एम डिसाइड करती है दूसरा स्टेटमेंट सही है एम एस पी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन राइस एंड वीट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग इट इज एप्लीकेबल ऑन अबाउट ट्वेंटी सिक्स फूड क्रॉप्स आप दिस से क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग एस सी ओ दिस समिट इज हेल्ड एनुअली एट द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही बात है इट डील्स प्राइमरली विथ ट्रेड एंड सिक्योरिटी एजेंडा ये गलत है इट डील्स इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक एजेंडा सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए वन ओनली तीसरा स्टेटमेंट था रिगार्डिंग माइक प्रोग्राम दिस प्रोग्राम इज रन अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट इन, इन इंडिया टू तो प्रिवेंट इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स बिल्कुल सही है देर इज नो साइट कवर्ड इन आसाम अंडर दिस प्रोग्राम ये स्टेटमेंट गलत है दो ऐसे साइट हैं हमने कल ही देखा था एक तो रिपू चिरांग वाला एलिफेंट रिजर्व और दूसरा देहिंग पटकाई वाले एलिफेंट रिजर्व ये दो ऐसे साइट है जो असाम जो माइक प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं सो तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए वन ओनली दैट्स ऑल फ्रॉम आर साइड फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग